पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ती कीमतों पे बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता, यहां तक कि दिग्विजय सिंह भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नजर नहीं आए। भोपाल के न्यू मार्केट पेट्रोल पंप पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन में जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह शामिल हुए, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। प्रदर्शन में शामिल दिग्विजय सिंह ने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में निरंतर इजाफा हो रहा है और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। साथ ही बढ़ती महंगाई पर न केंद्र की मोदी सरकार कुछ बोल रही है, न ही प्रदेश की शिवराज सरकार। आम लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। सरकार में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी 9 रुपए, ये तो हटाया किसका है? वही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है 34 रुपए। ये हर बार भाव बढ़ते हैं, लेकिन बंगाल के चुनाव के पहले उन्होंने भाव कम किए। पूरे तरीके से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने के लिए राजनीति। अबे ये पकड़ लो किसका है भाई, ये पट्टा। अब जनता उनकी बात समझ चुकी है। कहां गए वो लोग जो एक जमाने में आलोचना करते थे जब यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे? शिवराज जी साइकिल पर चलते थे, स्मृति ईरानी आती थी, राजनाथ सिंह सामने आते थे। अरे देख क्या कर रहा मोहित, और वो ढोंगी बाबा भी आता था। पूरे तरीके से इस देश में हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के साथ खाने के तेल और दाल, हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरे तरीके से मोदी जी की सरकार जाने महंगाई की सरकार। प्रदर्शन में कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर मोदी व शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पेट्रोल व डीजल और खाद्य तेलों के दाम कम करने की मांग केंद्र व राज्य सरकार से की। इन प्रदर्शनों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कोई भी कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कोलार के बीमा कुंज पेट्रोल पंप, लालघाटी सहित अन्य जगहों के पेट्रोल पंपों पर भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, पर सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करना सभी भूल गए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।